किसी भी इलाके के शहरीकरण में जमीन अहम है, तभी आप देखते हैं कि शहर से मिले हुए ग्रामीण इलाके जरूरत के हिसाब से शहर का हिस्सा बनते जानते हैं। भारत के किसी बड़े शहर और उसके आसपास के इलाकों को जो शहर है वो अपनी हद में लाकर अपना दायरा जो है वो बड़ा कर लेते हैं। आमतौर पर शहर का विकास जमीन के विस्तार में होता है, यानी फैलाव में होता है। लेकिन हमारा शहर मुंबई तीन तरफ से समंदर से घिरा है। मुंबई कुदरती तौर पे जमीन के विस्तार से वंचित है। कहते हैं जब दूसरे शहर जमीन पर फैलते हैं तो मुंबई ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। गगनचुंबी इमारतों के शहर मुंबई में एक आशियाना हर किसी की हसरत है, और यही ख्वाहिश हमें किसी भी कीमत पर मुंबई में घर लेने को मजबूर करती है। हमारी यही हसरत मुंबई को आकाश की तरफ ले जा रही है। घर बनाने और घर पाने की इस आपाधापी में शहर लगातार सिमट रहा है। सड़कें और गलियां तंग होती जा रही हैं और पार्क जैसी चीज तो अब सपनों की बात लगती है। कहा जाता है कि किसी भी शहर के विकास का पैमाना वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी शहरियों की सुविधा के लिए शहर का जो आधारभूत ढांचा इस तरह से तैयार किया जाता है ताकि उस शहर में रहने वाले बाशिंदे सुविधाजनक माहौल में जिंदगी बसर कर सकें। शहरी विकास की व्यवस्था में रहने के लिए इमारतें, चलने फिरने के लिए सड़कें और खुली हवा में सांस लेने के लिए गार्डन और पार्क वगैरह होना जरूरी होता है। शहर के विकास को गति देने के लिए और गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए सरकारी व्यवस्था ही जिम्मेदार होती है। शहर ऊपर आसमान की तरफ विकास करे या नीचे जमीन पर फैले, व्यवस्था का काम है कि शहर के ढांचे को बरकरार रखा जाए। बढ़ती मांग और ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाने की चाह में मुंबई को दबोचने का काम जारी है। लगातार सिमटते इस शहर से खुली जगहें खत्म होती जा रही हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम शहर के विकास के ढांचे में छेड़छाड़ को बेनकाब करें ताकि आपके हिस्से की हवा और आपके हिस्से की धूप पर इस बेतरतीब विकास का साया न पड़े। हम आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बेनकाब करेंगे हर उस मंसूबे को जो मुंबई शहर को कंक्रीट का जंगल बनाने पर तुला है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम मुंबई को किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे कंक्रीट का शहर। नमस्कार, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम कंक्रीट के शहर की पहली किस्त में। मैं हूं सैयदैन जैदी। हमारी इस पहली किस्त में कंक्रीट का शहर के जरिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे गोरख धंधों में लिप्त कंपनियों का पर्दाफाश कर सके जो गैर कानूनी तरीके से काम करके आपके हक पर कब्जा करके धड़ल्ले से मुनाफा कमा रही है। आज हम आपको संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी के आरोपों के बारे में, उस पर जो आरोप है उसके बारे में दिखाएंगे कि कैसे यहां बेखौफ होकर नियमों की अवहेलना हो रही है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मंसूबों पर हम नजर डालेंगे, पड़ताल करेंगे, अपने सहयोगी संजय मिश्रा के पास जाएंगे जो कि स्पॉट से हमारे साथ लाइव मौजूद है। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सांताक्रूज पश्चिम स्थित खेतवाड़ी इलाके में बड़ा घोटाला, लेमन न्यूज ने किया खुलासा। निर्णय वेलफेयर संस्था द्वारा घोटाले पर लगा आरोप, बीएमसी अधिकारियों के खिलाफ लगाए आरोप। नक्शे से कुआं और तबेला हुआ गायब, अवैध तरीके से बनाया गया नक्शा। और सीटीएस प्लान में हेराफेरी है, कुछ दिखाया कुछ। यहां
कंक्रीट के शहर की पहले किस्त और नजर है सांता क्रूज के खेत वाले इलाके पर। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम खुलासा करेंगे कि मुनाफा कमाने के चक्कर में सरकारी दस्तावेजों के साथ कैसे की जाती है छेड़छाड़, और कैसे सिटी सर्वे के प्लान कॉपी पर नागवार गुजरने वाली चीजों को हटा दिया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंबई के सांता क्रूज पश्चिम स्थित खेतवाड़ी इलाके की, जहां डीपी रोड के लिए प्रस्तावित जमीन पर जो कुआं मौजूद था उसको पाट कर मनमाने तरीके से ट्रांजिट कैंप बनाया जा रहा है, और यह आरोप लगाया है निर्णय वेलफेयर संस्था ने, जिसका एक एक पहलू हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। ये नजारा है सांता क्रूज पश्चिम स्थित टीपीएस 6 रोड का, जहां से डीपी रोड के लिए आरक्षित भूखंड पर बनाया जा रहा है ट्रांजिट कैंप। जबकि इसी सड़क से लगकर कभी यहां तबेला हुआ करता था। डीपी रोड का हवाला देकर बीएमसी ने माननीय न्यायालय से गुहार लगाकर उक्त तबेले को वहां से हटा दिया, जिसके बाद डीपी रोड की जगह खाली कर दी गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसी डीपी रोड प्रस्तावित जमीन पर आज वर्तमान में संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा ट्रांजिट कैंप खड़ा किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये सारे स्कीम चल रही है, इसके विरुद्ध हमारे निर्णय वेलफेयर एसोसिएशन सक्रिय और लीडिंग रोल में लड़ रही है, और जहां तक कागजातों के आधार पर ये दिखाई दे रहा है कि झूठ की बुनियाद पे ये सारे योजना अमल में लाई जा रही है। मैंने अधिकारियों को 2012 से कंटिन्यू पत्राचार किया हूं, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने उसका आज तक रिप्लाई नहीं दिया है और ना ही उस पर कोई भी एक्शन लिया हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि सांता क्रूज पश्चिम स्थित डीपी रोड के लिए प्रस्तावित उक्त जगह के पास जो कुआं सालों साल से वहां पर काबिज था, उसे भी मिट्टी से पाट दिया गया। जबकि कुओं के रख रखाव के लिए बीएमसी हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। इस विषय पर सरकारी संस्थानों के विचार भी अलग अलग हैं। इसके अलावा हैरान करने वाली बात यह भी है कि डीपी रोड प्रस्तावित जगह से संबंधित एक प्लान में कुआं दिखाया जा रहा है और दूसरे प्लान में कुएं का उल्लेख ही नहीं। ऐसे में किस प्लान कॉपी को सही समझा जाए और किस प्लान कॉपी को गलत, ये सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह जो प्लान कॉपी दिखाई दे रही है, यह सीटीएस प्लान कॉपी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निकाली गई है, और यह दस्तावेज 25 अप्रैल 2011 के हैं, जो खुद संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हासिल किए हैं। इस सीटीएस प्लान कॉपी में कुआं नदारद है, इसके अलावा वो स्ट्रक्चर भी हटा दिया गया है जो स्थायी तौर पर कभी गंगोत्री सिंह तबेला के नाम से जाना जाता था। अब देखिए इस सीटीएस प्लान को, जो दिनांक 22 अप्रैल 2013 को निर्णय वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आरटीआई के तहत हासिल किया गया है। जिसमें साफ तौर पर कुआं और गंगोत्री सिंह तबेला का उल्लेख किया गया है। दिनांक 22 मार्च 2013 को भी जो सैंक्शन प्लान कॉपी विले पार्ले स्थित सिटी सर्वे ऑफिस ने निर्णय वेलफेयर एसोसिएशन को मुहैया करवाई है, उसमें भी कुआं साफ तौर पर दिख रहा है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कुएं को और गंगोत्री सिंह तबेला को सीटीएस प्लान कॉपी से किसने हटाया। तो आपने देखा कि उक्त कंस्ट्रक्शन कंपनी किस तरह से नक्शे में फेल बदल करके अधिकारियों की मिलीभगत के साथ इस पूरे काम को अंजाम दे रही है, जहां आपकी सड़कें सिकुड़ रही हैं, आपकी गलियां तंग हो रही है और आपका पार्क तो पहले ही खा जा चुका है। हमारे साथ संजय मिश्रा हमारे सहयोगी मौजूद हैं सेंटा क्रूज खोतवाड़ी से। संजय मिश्रा, सबसे पहले तो आप हमें इस तरह से इस पूरे मामले को कम शब्दों में बताएं ताकि हमारे दर्शक और इससे जुड़े हुए लोग ये समझ सकें कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। जैदी साहब, शुरुआती दौर में हम बताना चाहेंगे कि आर्थिक राजधानी मुंबई के सेंटा क्रूज पश्चिम स्थित खोतवाड़ी में हम खड़े हैं। यहाँ पर अलग अलग भूखंड मिलाकर कई प्लॉट्स हुआ करते थे। साल 2008 में संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एसआरए स्कीम के तहत यहाँ पर विकास कार्य करने की शुरुआत तो करी है, और यह एसआरए स्कीम जो है वह सरकारी योजना है जिसका जो नगर विकास के अंतर्गत आता है, जिसके मुखिया खुद पृथ्वीराज चौहान साहब जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वह हैं। और दर्शकों की जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि कैसे जमीन पर सरकारी योजना क्रियान्वित कर वहां पर मनमाने तरीके से जो प्लान कॉपी होता है उसके ऊपर से नागवार गुजरने वाली चीजों को डिलीट कर और अपने मन मुताबिक चीजों को उसमें उल्लेख कर यह प्लान पुटअप किया जाता है। और सिर्फ पुटअप ही नहीं किया जाता है बल्कि वहां से अप्रूवल भी लिया जाता है। और खास करके सांता क्रूज पश्चिम खोतवाड़ी के जिस प्लॉट पर हम खड़े हैं यहाँ के बगल में, मैं कैमरा पर्सन देवानंद से यह गुजारिश करूंगा कि अपने कैमरे में वह तस्वीरों को कैद करके उन तमाम दर्शकों और सरकारी संस्थानों में बैठे उन अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करें। साफ तौर पर देखा जा सकता है लोखंड की एंगल पर खड़ा किया जा रहा है यह ट्रांजिट कैंप। और खास करके इस ट्रांजिट कैंप के बारे में बताया जाता है कि मामला न्यायालय में प्रलंबित था। डीपी रोड के लिए प्रस्तावित जमीन है, इस पर कुआं हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ पर एक गंगोत्री सिंह तबेला भी हुआ करता था, लेकिन डीपी रोड पर जो बाधा सामने आ रही थी उसको देखते हुए माननीय न्यायालय से बीएमसी ने खुद यह गुहार लगाई कि उक्त डीपी प्रस्तावित जमीन पर ये चीजें हमें बाधा स्वरूप दिखाई दे रही है, इसलिए इसे हटा दिया जाए। माननीय कोर्ट ने इस पर अपना पक्ष फैसला सुनाते हुए यह आदेश पारित किया कि चूंकि डीपी रोड जो है उसे बनाना जरूरी है, चूंकि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए यह डीपी रोड बनाना बेहद जरूरी है, लिहाजा इस पर आने वाले उस तबेले को साथ ही उस कुएं को हटा दिया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि स्ट्रक्चर आप डेमोलिशन कर सकते हैं, कुआं नहीं हटा सकते, क्योंकि कुआं जो है वह जल स्रोत का एक बड़ा माध्यम कहा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन यहां पर उस कुएं को काट दिया गया। बिल्कुल संजय, ये जो नक्शे का हेर फेर है, दो नक्शे की आप बात कर रहे हैं। एक नक्शा वो है जिसमें ये पूरा तारामाशा चल रहा है, एक नक्शा वो है जो आपके साथ जो संस्था के रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं उन्होंने आरटीआई के जरिए निकाला है। जरा उनसे बात करिए और जानिए कि फर्क क्या है इस नक्शे में, कैसे सुविधाजनक तरीके से इस नक्शे को अपने मनमाफिक बनाया गया है। बिल्कुल, निर्णय वेलफेयर ट्रस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है प्रदीप सिंह ठाकुर और साथ ही आरटीआई एक्टिविस्ट भी है, कई महीने इन्होंने इस पर कई सालों से इन्होंने अपनी मेहनत करी थी। हम खुद उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ठाकुर साहब, ये बताइए, एक प्लान कॉपी है उस पर दिखाया जा रहा है कुआं है, दूसरा प्लान जो है उससे ही संबंधित उस पर साफ साफ दिख रहा है कि कुआं नदारद है, क्या कहेंगे और कैसे ही आपकी संज्ञान में आया? देखिए, जब आरटीआई के तहत हमने पेपर निकाला तो पेपर निकालने के बाद मुझे खुद आश्चर्य हुआ और एक झटका लगा कि ये कैसे हो सकता है कि सरकारी अभिलेख के अंदर, जो अभिलेख ऑलरेडी मेरे पास है क्योंकि मैं यहाँ की खोतवाड़ी की जो लड़ाई है पिछले 2000 से लड़ रहा हूँ, और उसके अंदर जो मेरे पास प्लान है उसके अंदर कुआं स्ट्रक्चर सब है। उसके बाद मैंने वापस से उसी डिपार्टमेंट में पैसा भर के वापस से प्लान निकाला, टिक्का सीट निकाला, लेकिन वहां पे एज इट इज प्लान है। लेकिन जब बिल्डर ने सबमिट किया हुआ है, उनके जो लोगों ने सबमिट किया है उस प्लान के अंदर, वो स्ट्रक्चर वो सब कुआं सब डिलीट किया हुआ है। इसका मतलब इन लोगों ने सरकारी अभिलेखों के अंदर इन लोग छिड़का नहीं किए,
जो एक संगीन जुर्म है और इसका मैटर हमारे सांतोस पुलिस स्टेशन में भी मैंने कंप्लेंट किया हूं, जिसके अंदर सब बहुत सारे डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट वगैरह हो चुका है और मामला तकरीबन करीब करीब ही है। अब उसके अंदर देखा जाएगा सांतोस पुलिस स्टेशन से क्या एक्शन लेती है। तो आपने सुना साफ तौर पर एक प्लान में साफ तौर पर कुएं का उल्लेख है, दूसरे प्लान में जो बिल्डर ने पुटअप किया है अनुमति प्राप्त करने के लिए, एनओसी हासिल करने के लिए सरकारी संस्थानों से, उस पर उस कुएं का उल्लेख नहीं है। इससे यह अंदाजा सहजता से लगाया जा सकता है कि खुद की कमाई, खुद के मुनाफे के लिए सरकारी दस्तावेजों पर मनमाने तरीके से छेड़छाड़ किया जा रहा है, जो कि असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। अधिकारियों से बात हुई होगी आपने, जाहिर है जब आप इस स्टोरी पे काम कर रहे थे तो आपने पड़ताल की है, आपने संबंधित अधिकारियों से बात की होगी, उनका क्या कहना है इस गोरख धंधे पे कि ये दो नक्शा कहां से आया, क्या कहते हैं वो? सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है जिसकी हद में यह इलाका आता है वह सांताक्रूज पुलिस स्टेशन है, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन FIR संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी दर्ज है, जिनमें से एक मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसमें से बाद में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उन्होंने इसमें इन्हें बाइज्जत बरी भी कर दिया, लेकिन जिस पर पुलिस की जो जांच चल रही है उसके पैरेलल में हमारी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा पुलिस के साथ साथ जो एसआरए प्राधिकरण है, बांद्रा पूर्व में है, नगर विकास के अंतर्गत आता है, जिसके मुखिया खुद पृथ्वीराज चौहान साहब हैं, उनसे भी हमने मुलाकात करी है। निर्मल देशमुख साहब CEO कहे जाते हैं, पश्चिम उपनगर के कलेक्टर थे किसी जमाने में, लेकिन वर्तमान में वह एसआरए प्राधिकरण के CEO हैं, और जो भी कार्य होता है उनके मातहत होता है, उनके मातहत जो भी विभागीय अधिकारी हैं, हमने उनसे भी मुलाकात करी है। चूंकि निर्मल देशमुख साहब ने हमसे मिलने से साफ इनकार कर दिया, हमारे पास वो तमाम फुटेजेस हैं, हमारे पास वह तमाम ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें पूरी सच्चाई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और हमने इस खबर को दिखाने के पहले जिस प्रकार से अपना जो काम होता है, जो वर्कआउट होता है, जाहिर अपना जो होमवर्क, जाहिर हम एक जिम्मेदार चैनल है, संजय हम एक जिम्मेदार चैनल है, और हम किसी भी खबर को बिना पूरी तरह से पड़ताल किए हुए, उसके सारे जो पहलू हैं, बिंदु हैं, उसकी जांच किए हुए दर्शकों के सामने नहीं लाएंगे, और हम जब लाएंगे तो हम ठोक बजा के लाएंगे और हम कहेंगे कि हाँ ये गलत हो रहा है। और जिन CEO साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, उन CEO साहब का मिलने से मना करना इस बात की ताईद करता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। संजय और आपके जो सहयोगी हैं उनके साथ आप हमारे साथ बने रहिए, हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो मकड़जाल है, जो घालमेल है, उस पर हम ये चर्चा जारी रखेंगे। हम ये चर्चा कंक्रीट के शहर में, जहां बिल्डर्स ऑफिसर्स की मिलीभगत से आपकी सड़कें सिमटा रहे हैं, आपके हिस्से का सूरज, आपके हिस्से की धूप निगल रहे हैं, जारी रहेगा। बने रहिए लेमन न्यूज के साथ, हम फौरन हाजिर होते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रन रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। SRA योजना में भ्रष्टाचार, करोड़ों के FSI की चोरी, केडिया बिल्डर ने उड़ाई नियम और कानून की धज्जियां, टीपी रोड पर बनाया ट्रांजिट कैंप, संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी का मकड़ जाल। देखिए मंगलवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज। मैं हूं सैयद अंजैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। बात करेंगे गरीबी पर, सरकार के उस अनर्थ शास्त्र की।
कंक्रीट के शहर में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सेंटा क्रूज के खोतवाड़ी इलाके में। हमारे साथ संजय हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सड़क कुएं और सब के ऊपर कब्जा करके वहां फिलहाल एक ट्रांजिट कैंप की तैयारी कर दी गई है। किस तरह से नक्शे में फेरबदल करके अपने मन माफिक चीजें बनाई गई हैं और इसमें मिली भगत का आरोप है अफसरान पर। अगर नहीं है तो फिर अफसरान लेमन न्यूज से बातचीत से कतरा क्यों रहे हैं? हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसआरए प्राधिकरण ऑफिस के बाद लेमन न्यूज की टीम पहुंची बीएमसी एच पश्चिम वार्ड ऑफिस, जहां के अधिकारियों में मीडिया का नाम सुनते ही खलबली मच गई और एच पश्चिम के सहायक मनपा आयुक्त ने मिलने तक से साफ इनकार कर दिया। लेमन न्यूज की टीम सच्चाई जानने पहुंची बीएमसी एच पश्चिम के पीसीओ डिपार्टमेंट के अधिकारी मिस्टर रसाल के पास, जो खुद कुएं का सर्वे करने पहुंचे थे सांता क्रूज पश्चिम स्थित संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर। I can't talk to you. ऑफ द कैमरा खाली आप मुझे जानकारी के लिए इतना बताइए ना कि विहीर थी ना वहाँ पे पहले। देखिए हम जब कितने काम चल रहा था वी डोंट नो जिस टाइम पे वो जो हुआ है, ये जो घटना क्या हुई है वी आर नॉट अवेयर वॉट एवर आर देयर ऑन डॉक्यूमेंटेशन दैट वी हैव शोन। ओके हमारी पर्सनल विजिट्स वहाँ जाने का उस टाइम पे या उसके पहले का कुछ नहीं है। मेरे उसके बारे में आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए, हमारे इंस्पेक्शन कभी हुई थी, हमने क्या किया, वी विल गिव यू, आई विल हैव टॉक टू माय असिस्टेंट। खाली विहीर था या नहीं मैं पूछ रहा हूँ। नहीं दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू ना, वो था या नहीं या जो है मैं सामने, वो प्रदीप सिंह ठाकुर को मालूम है ना, ही नोज, उसने तो बहुत तारीफी का डॉक्यूमेंट दिया है। ही वाज विद अस। ओके वी आर गेटिंग इट सर, ही वाज विद अस एट दैट टाइम, व्हाटएवर ही हैड शोन ही इज आल्सो शोन इट, ही मस्ट हैव टोल्ड यू व्हाटएवर द थिंग्स व्हिच आर देयर। ओके सो हम लोग को कोई चीज में डिनाई नहीं करनी है, हमारा क्या एनी टाइम यू कम अक्रॉस, ओनली थिंग इज अथॉरिटी। आप मेरा फोन पिक कर लीजिएगा, मैं उठाऊंगा, मैं फोन करूंगा। ये वो भी शूट कर रहा है, दैट इज व्हाट आई डोंट लाइक। पीसीओ विभाग के अधिकारी मिस्टर रसाल भी इस विषय पर अपने बड़े अधिकारियों का हवाला देते हुए कोई सकारात्मक जवाब नहीं दे पाए। सांता क्रूज पश्चिम के डीपी रोड पर जिस प्रकार से ट्रांजिट कैंप खड़ा किया जा रहा है और उसी आधार पर वहां पर जो कुआं था उसे प्लान से हटा दिया गया है और यही नहीं बल्कि उस कुएं को पूरी तरीके से बुझा भी दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि सालों साल से करोड़ों रुपया कुओं पर खर्चा करने वाली बृहन्मुंबई नगरपालिका आखिर कर क्या रही है, यह जानने के लिए हम पहुंचे एच पश्चिम इस मनपा वार्ड में। लेकिन प्रशांत सपकाले जो यहाँ के वार्ड ऑफिसर है उन्होंने हमें मौका नहीं दिया कुछ कहने का और ना ही उन्होंने समय दिया हमसे मिलने का। देखने वाली बात यह होगी कि लेमन न्यूज पर यह खबर चलने के बाद बृहन्मुंबई महानगर पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे साहब क्या अपने मातहत काम करने वाले उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही कर पाते हैं। संजय मिश्रा, लेमन न्यूज, मुंबई। ऐसे में सवाल है बीएमसी कमिश्नर से, सवाल है एसआरए प्राधिकरण से और सवाल है सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब से कि सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर अपनी तिजोरी भरने वालों के खिलाफ और इस आपराधिक गतिविधियों में शामिल सरकारी अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्यवाही की जाएगी या फिर मुंबई शहर एक दिन बन जाएगा कंक्रीट का शहर। यकीनन बन जाएगा, अगर यही हाल रहा तो मुंबई वो दिन दूर नहीं कि कंक्रीट का शहर बन जाएगा। पेड़ पौधे खुली जगहें इस शहर से लगभग गायब होने की कगार पर हैं। संजय मिश्रा हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। संजय मिश्रा, जब आप मनपा के दफ्तर गए थे जो बातचीत हो रही थी हमने सुना, वो अधिकारी अपने बड़े अधिकारियों का हवाला दे करके हाँ या ना तक बोलने की स्थिति में नहीं है, जरा इससे पीछे की बात बताइए। ये जो उन्होंने कैमरे पे बोला, जो आपकी जानकारी में है और जो अध्यक्ष साहब संस्था के हमारे साथ मौजूद हैं उनकी जानकारी में है, वो असल चीज बताइए, दर्शकों तक पहुंचे।
जैदी साहब, हमें इस बात का इल्म था कि यदि हम बिना दस्तावेज की पड़ताल किए यदि सरकारी महकमे में कार्यरत उन अधिकारियों से मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि वह हमें घुमा देंगे, और हमने उन्हें घुमाने का मौका ना मिले इसलिए हम तमाम दस्तावेजों का बाकायदा होमवर्क करने के बाद ही पहुंचे उन तमाम सरकारी संस्थानों में, चाहे वह मनपा एच पश्चिम का कार्यालय हो जो बांद्रा पश्चिम में है, चाहे SRA प्राधिकरण हो जो नगर विकास के अंतर्गत आता है बांद्रा ईस्ट पूर्व में है, और चाहे वह सिटी सर्वे ऑफिस हो जो सांताक्रूज और विले पार्ले के बीच में SV रोड पर स्थित है, जिसके अधिकारी हैं सुनील वाणी साहब जो अपनी कुर्सी पर नजर नहीं आए, और उनके जो पर्सनल जो असिस्टेंट हैं जाधव वह हमें मिले, लेकिन इन तमाम लोगों के पास जाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया किस प्रकार से सामने आई ये तो हमने बताया, लेकिन इस पर्दे के पीछे की जो सच्चाई आपने हमसे जानने की बात करी, हमसे जो सवाल किए हैं उसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि जो रसाल साहब हैं वो PCO अधिकारी हैं, वह सांताक्रूज पश्चिम के उस DP रोड के लिए प्रस्तावित जमीन पर जहां केडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी विकास कार्य कर रही है वहां खुद गए थे और उन्होंने वहां का इंस्पेक्शन किया था और यह जानने की कोशिश की थी कि कुआं वहां था या नहीं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका जिसका सालाना बजट 27,000 करोड़ से भी अधिक का है, एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है, लेकिन जब निर्णय वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से RTI के तहत जो दस्तावेज CTS सिटी सर्वे ऑफिस से निकाले गए थे वह दस्तावेज निकालने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं थे, लेकिन यह जिद की बात थी, प्रतिष्ठा की बात थी और एक दक्ष नागरिक होने की बात थी। शायद यही कारण था कि निर्णय वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रदीप सिंह ठाकुर ने उसके लिए स्वयं 5,000 रुपए आधिकारिक तौर पर खर्च किए और उन दस्तावेजों को PCO डिपार्टमेंट के पास भेजा, और शायद रसाल साहब को इसकी जानकारी नहीं थी कि जो दस्तावेज निर्णय वेलफेयर एसोसिएशन ने उन्हें मुहैया करवाए हैं वह लेमन न्यूज के पास भी उसकी एक कॉपी है। फिर बावजूद इसके वह अपने कन्नी काटते साफ तौर पर नजर आए। जाहिर है संजय, ये जो पूरा मुद्दा है, इससे पहले आप जो है वो एक दूसरे दफ्तर भी गए थे, उसकी बात भी हम दर्शकों से बताएंगे और जानकारी आपसे भी लेंगे कि वहां क्या हुआ था। आप जरा ठाकुर साहब से ये पूछिए कि ये जो पूरा मुद्दा है, वो कह रहे हैं लगभग 7-8 साल से वो लगातार इसकी पड़ताल कर रहे हैं, इस दौरान 3 FIR भी दर्ज हो चुकी है, क्या है, उनको क्या लगता है किस तरह से सेफ करने की कोशिश चल रही है इस कंस्ट्रक्शन कंपनी को जिसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में 3 FIR मौजूद हो। पहली बात तो ऐसी कंपनी को विकास कार्य करने क्यों दिया जा रहा है और ऐसे विभाग में जिसका जिम्मा मुख्यमंत्री के पास है। बिल्कुल, निर्णय वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आप ठाकुर साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि जो विकासक यहाँ विकास कार्य साल 2008 से कर रहा है उसके खिलाफ सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में 3-3 FIR दर्ज है, आखिर वजह क्या है कि 3-3 FIR दर्ज होने के बावजूद भी विकासक को विकास कार्य करने का पूरा राइट दिया गया है। देखिए सब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले FIR 5/12/2010 को हुई, जिसमें इसके इनके व्यक्तियों ने इस प्लॉट में रहने वाले तबेले धारकों के नौकर को मारपीट की रात के टाइम पे सोडा बोतल वगैरह से, जिसके 326 324 और 34 का केस दर्ज हुआ। उसके बाद ठीक 1.5-2 महीने के बाद यहाँ पे बिल्डर के आदमियों ने एक आदमी का मर्डर कर दिया। उस मर्डर केस में बिल्डर को और उनको पकड़ा गया। पकड़ने के ठीक 1 महीने के बाद यहाँ के जो IO थे मिस्टर राजीव गोस्वामी साहब ने उनको 169 में रिलीज कर दिया। और जब मैंने उनका बांद्रा कोर्ट में पेपर देखा तो उन्होंने ये बताया कि बिल्डर के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं था, हमने सिर्फ संदेह में उठाया था, इसलिए ये आरोपी नहीं है। जबकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 5/12/2010 को जो केस वारदात हुई उसके बाद यहाँ के तबेला धारकों ने तकरीबन 3-4 कंप्लेंट पुटअप की गई है सांताक्रूज पुलिस स्टेशन से लेके पुलिस कमिश्नर तक CM तक कि हमारी जान को धोखा है। और जब मैंने RTI के तहत उस कॉपी के अंदर उस चीज को मांगा कि आज तक इस कंप्लेंट में आपने क्या कार्रवाई की है, तो अधिकारियों ने कहा कि हमारे यहाँ के अभिलेख हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, इसके लिए हम ये जानकारी आपको प्रदान नहीं कर सकते। मैंने उसके विरुद्ध कंप्लेंट फाइल किया कि अगर आपके पास ये फाइल नहीं है तो ये फाइल क्यों नहीं है, इसके लिए महाराष्ट्र अभिलेख और महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 कलम 9 के तहत इनके ऊपर तुरंत प्रशासनिक कार्रवाई किया जाए और इनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए।
उस कंप्लेंट को इन्होंने बताया कि वो हमने अपने सीनियर को भेज दिया, सीनियर के पास से हम जब डीसीपी के पास गए, डीसी के पास का नंबर मुझे पता है, उसका इन्वर्ट नंबर 196 फाइल नंबर के अंदर है, लेकिन फाइल उनके पास मेरी कंप्लेंट की कॉपी भी वहां से गायब हो चुकी है। ये मैं आपको खुला बताना चाहता हूं कि प्रशासनिक अधिकारी क्या करते हैं, एक सेंसिटिव मैटर के अभिलेखों को नष्ट कर देते हैं। तो क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो ऐसे ऐसे एफआईआर, तीसरा एफआईआर इनके पास हुआ फोर्जरी का। संजय, ये बहुत गंभीर बात है कि कंप्लेन की कॉपी फाइलों से निकल जाती है, फाइलें गायब हो जाती हैं, कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे पूरा एक वेब है बिल्डर्स का और प्रशासनिक अधिकारियों का और मौके पे जो पुलिस स्टेशन है उसके भी अधिकारियों का। जरा ठाकुर साहब से ये पूछें कि इस दौरान उनके ऊपर जाती तौर पे किस तरह के दबाव, किस तरह की धमकियां वगैरह आई। इस पूरे जान को जोखिम में डालकर आपने ये तमाम चीजें करी, अगर इसको यूं कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस दौरान आपके ऊपर क्या कोई दबाव बनाया गया था या कोई प्रेशर आपके ऊपर लाया गया था कि इस मामले को आप छोड़ दीजिए, इस तरह की कोई चीजें? देखिए, प्रेशर तो हमारे पास बहुत जगह से आए, कुछ हमारे दोस्तों के थ्रू आए जो उनको पहचानते, तो उन्होंने बोला क्यों मगजमारी कर रहे हो, छोड़ दीजिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं सर, और आपके इस लेमन टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2002 के अध्यादेश, महाराष्ट्र सूचना का अधिकार आने के बाद आज लोगों के अंदर की जो भावना है, लोग जागरूक होने लगे, और उसी को देखते हुए सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2005 में इसे सेंट्रलाइज केंद्रीय सूचना का अधिकार बनाया। और मैं आपको ये चीज में बताना चाहता हूं कि आज के टाइम पे जो आरटीआई कार्यकर्ता है वो सरकार की तीसरी आंख है, और सरकार के अंदर जो काम चल रहे हैं उसके अंदर पारदर्शी रहना और लोकतंत्र को साफ सुथरा बनाना, ये आरटीआई कार्यकर्ताओं का काम है। अगर हम डर जाएंगे तो इसका मतलब होगी सरकार के अंदर जो भी काम चल रहा है वो ठीक है। तो अगर मुझे डरना होता तो मैं लड़ाई नहीं लड़ता, और मुझे ये भी डर है कि शायद आने वाले समय पर मुझ पर हमला भी होगा और मेरी जान भी जा सकती है। जाहिर है, जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस प्रकार से एसआरए स्कीम के तहत जाहिर है विकास कार्य जो